तो दोस्तों वीवो Z1 Pro की ह्यूज सक्सेस के बाद अब आप में से काफी लोग वेट कर रहे हैं वीवो Z2 Pro की। तो दोस्तों आप में से काफी लोगों का मैंने कमेंट देखा, उसमें वीवो Z2 Pro के बारे में बहुत ही ज्यादा कमेंट था कि क्या कुछ खास दिखने को मिल सकता है वीवो Z2 Pro में और कब तक लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों वीवो Z2 Pro में हमें क्या क्या दिखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों वीवो Z2 Pro में आपको एक बहुत ही बेहतरीन 6.3 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि आ सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों वीवो Z1 Pro में हमें एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिला था। तो दोस्तों वीवो Z2 Pro में हमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है जो कि एक बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों वीवो Z2 Pro में आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें वहीं दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरास और डिजाइन की, तो दोस्तों वीवो Z2 Pro में हमें देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन ग्लास बैक का सपोर्ट जो कि आएगा ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 का सेंसर, सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों वीवो Z2 Pro भी एक मिड रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग आपको 15,000 रुपीज के करीबन देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही दोस्तों 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 17,000 रुपीज के करीबन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड क्यू के साथ आ सकता है जो कि फंटस ओएस को सपोर्ट करेगा। और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन में 3.5mm ऑडियो जैक और माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी में आपको एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है जैसा कि सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M30s में हमें देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस स्मार्टफोन को दिसंबर से पहले इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ लीक्स और रूमर्स जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि हमें देखने को मिल सकता है वीवो Z2 Pro में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।